बहुत कुछ करना तेरे yes. और सारा कुछ दीदी कर रही है, मेरी टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं। देखो पार्टी देना नहीं पसंद, सच बात तो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ऐसे जब पैसा जाता है ना, देखो। Hey guys, welcome back to my channel, Sneha Sas Devan. I'm back with a new video. So, अभी का सीन यही है कि बर्थडे आ रहा है मेरा, 5 days to go only. तो मैं चाह रही थी कि यार बर्थडे सेलिब्रेशन जो है ना मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया जाकर के करूँ। तो मैंने डिसाइड करा था मैं तो या तो दुबई जाऊंगी, बट दुबई में गर्मी ज्यादा थी तो आई वॉज प्लानिंग फॉर बाली या फिर कहीं इंटरनेशनल ट्रिप मैंने सोच ली थी, सब कुछ फाइनलाइज। इनफैक्ट मैं वीजा लगवाने जा रही थी, मैं कोई अच्छी जगह जा रही थी, बट सब ने रोक दिया, कहा कि नहीं इस बार तो तू पार्टी दे के जाए, क्योंकि मैंने 1 million 2 million 3 million यूट्यूब पे हो गए पार्टी नहीं दी। उसके बाद उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे भी 1 million हुए, तब भी बहुत अलग सिचुएशन थी तो पार्टी नहीं दी थी। और उसके बाद मैंने गाड़ी ली थी, गाड़ी की पार्टी भी नहीं थी, सब कह रहे तेरी पार्टी बहुत पेंडिंग है, तो इस बार बर्थडे पे पार्टी थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बर्थडे पे सेलिब्रेशन नहीं किया था तो इसलिए कोई पार्टी भी नहीं दी थी। तो इस बार तो फाइनल हो गया था कि भाई पार्टी देनी ही है, उसके बाद ही कहीं जाऊंगी। तो अब हम पार्टी वेन्यू डिसाइड करें क्योंकि समझ नहीं आ रहा कहाँ पे करें। ऑलरेडी गेस्ट लिस्ट मैंने बनाई है, लाइक 40-50 लोग हैं उसके अंदर, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर करना है मुझे सेलिब्रेट। तो मेरे को इसमें हेल्प करे ना प्रियंका दीदी। तो प्रियंका दीदी कह रही है कि स्नेहा तू मुझे मिल, हम लोग डिसाइड कर दे कहाँ पर करनी है। तो अभी हम वेन्यू देखने जा रहे हैं और वो गाड़ी में आई हुई ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला तू गाड़ी मत लेके आई हो वरना एक गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे। तो मैंने कहा डन, तो मैंने अब गाड़ी ना लेके कैब में मैं जा रही हूँ उन्हीं के पास, बस पहुँचने वाली हूँ, पास में ही हूँ। तो अभी हम फर्स्ट वेन्यू देखने आए हैं और यही करवाएंगे दीदी के हाँ स्पेशली। और दीदी आज देखो अपना काम छोड़ के आई है मेरे लिए, अब ना तेरे लिए तेरा फेवरेट चीज मंगवाई। हाँ और देखो मेरी फेवरेट चीज भी मंगवा ली कि सारी जगह टेस्ट तो करके जाएंगे हम। आज काम करते हैं सारे ऐसे ही ना, सारे होटल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, टेस्ट करते हैं और आज डिनर हो जाएगा हमारा ऐसे ही। फाइनली हमने वेन्यू कर लिया है डिसाइड, बट बताएंगे नहीं, बुक हो गया नहीं कि कहाँ पे। हाँ ये नहीं यार, बता दिया तो बस हो गया बेड़ा कर। अब मुझे मुझे सबसे पहले एक्साइटमेंट है गाड़ी देखने की, गाड़ी कहाँ है? अरे कहाँ, चलो चलो गाड़ी देखें भाई। ये रही ई क्लास, महंगे लोग हैं महंगे, ये देखो दीदी इतने महंगे लोग हैं, देखो ई क्लास लेके घूम रहे हैं भाई। 100 रुपए का नोट मिल रहा है, 100 रुपए का ढूंढ रहे हो? देख लो ई क्लास होके 100 रुपए ढूंढ रहे हैं। ये वाह जीजू क्या इंटीरियर है यार गाड़ी का। उई इसमें ये भी है, मेरे वाले में नहीं है ये जीजू। हाँ। ये नहीं है मेरे, ये वो पीछे वाला नहीं है मेरे, क्या कहते हैं इसको, मून रूफ ये वाला। हाँ मून नहीं है मेरे, सन रूफ है बस। कोई नहीं अभी हम मून कर लेते। सही बात है, बट बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी। गाइस देखो इसमें ना ये भी है जो मेरे उसमें नहीं है गाड़ी में, बढ़िया शीशा है देखो, लेकिन मेरी हाइट नहीं, हाइट नहीं पूछ रही मेरी। तब वाला को बोला लगा के दे। हाँ। वो कहेंगे आजा बेटा ई क्लास ही ले ले। वाह यार ये भी बढ़िया, ये मेरे में भी है, इसमें चलेंगे कहीं बाहर। हाँ यार नहीं भाई नहीं, मैं बता रही हूँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल नीचे होता है, कभी नहीं ले जा सकते, मेरी सीएलए से भी नीचे होगी ये। और आप मानोगे इतनी सी ऊंचाई आती है ना, इतनी सी सीएलए उसमें भी लगते है, तो सोचो ये क्या बिल्कुल ही नहीं जाएगी। सो नेक्स्ट गाड़ी तेरी यार, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये बोला था कि ना मैं हमेशा मर्सिडीज ही लेके उसमें अपग्रेड करूंगी। हाँ। तो मैंने छोटे से शुरू किया है। हाँ। अब मैं बड़ा 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 पे जाऊंगी। फिर एस। हाँ फिर ई फिर एस ऐसे करके। नहीं अब तो सीधा एस पे छलांग मारेगी। ई तो तेरी बहन के पास आ गई। हाँ ये अब एस तेरे पास, एस लूंगी अब मैं। लेकिन ये तो है कि गाड़ी में बैठने में फील बहुत बढ़िया आ रही है, मजा आ रहा है यार बैठ के गाड़ी में। और मैं सच बताऊं मेरी ना हाइट छोटी है, तो मैं पहले ले रही थी दूसरी। हाँ। क्लास में ही ले रही थी कोई। हाँ, हाँ। तो मुझे फिर मैं उसमें लग रही थी बच्ची से चलाती हुई। मजाक नहीं से लग रही थी चलाती हुई, फिर कहते दिख तो रही नहीं, ड्राइवर मान लेंगे तुझे, रहने दे तू। फिर मैंने ये ले लिया अपने साइज के अकॉर्डिंग गाड़ी ली, बहुत बढ़िया है वो, है ना मेरी गाड़ी साइज के अकॉर्डिंग मेरी बढ़िया है। अब ए क्लास लेना कन्वर्टेबल, कौन सी वाली ए क्लास?
वो ऐसे जो ओपन पूरी, हाँ वो वाली, वो तो बहुत सेक्सी लगेगी, है ना, वो बढ़िया लगेगा, गाइस मैंने तो सोच लिया एक गाड़ी में रखूंगी, दूसरी गाड़ी लूंगी कन्वर्टेबल शौक के लिए, शौक होना चाहिए पूरा, छोटी जिंदगी है और एंजॉय कर, एंजॉय, सही बात है, लेकिन इसमें बहुत मजा आ रहा है मुझे तो, मन कर रहा है, एक्साइटेड है हम स्नेहा के बर्थडे के लिए, बहुत सारी अभी चीजें करनी है, अभी केक करनी है, कहाँ सामने मेरी सिस्टर, चलो चलो चलो, ये बहुत कुछ करना तेरे, यस, और सारा कुछ दीदी कर रहे हैं, मेरी टेंशन फ्री हो गई, मैं टेंशन हो गई, यहाँ मेरे हुए नहीं, सबको कपड़ों की टेंशन पहले है, वैसे मुझे कॉल जा रही है जिससे बता रही है ना मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं, जो मर्जी पहनूं, पहले मुझे तो डिसाइड यार, मैंने खुद के कपड़े डिसाइड नहीं करे, वो भी कल प्रियंका दीदी लेके जाएगी, हम कल डिसाइड करने वाले हैं, उसके लिए भी कोई प्रिपरेशन अभी हुई नहीं है हमारी, अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि वेन्यू डिसाइड हो गया, अब टेंशन फ्री हो गए हम, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर फोटोग्राफर भी करवा दिया, बस हो गया, डन है, डन है, बस उसको टाइम भेजना, ओके डन, मैंने सब करवा दिया, वाह ये बढ़िया है, जीजू जीजू आपको बीवी बढ़िया मिली है, कुछ भी बोलो, सारा काम पहले ही डन, लकी हूं मैं, जबकि करते लड़की है, यहाँ लड़की कर रही है, शादी के टाइम पे प्रियंका ने सारा मैनेज किया, तुम बताओ ये भी ठीक है, प्रियंका ने मैनेज किया है, तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और मम्मी बर्थडे के लिए कर लिया मैंने, कर लिया, हाँ फिक्स हो गया, वो नहीं बताऊंगी आपको, अलग से बताऊंगी ना, अरे नहीं आपको अलग से बताऊंगी, कैमरा बंद होने के बाद, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अच्छी है, बड़ी सुंदर है, पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हाँ मजा आएगा, खाना क्या बनाया, छोले वाइट पूरी बना, आज क्या सैटरडे है, छोले बड़े हुए की सब्जी, हाँ देखो कल के छोले खिला रहे हो, वेज जाते तुम लोग भी खाओगे ना, फिर मैं नहीं खाऊंगी कल का छोला, खा लेना कोई बात नहीं, ठीक है चलो कुछ और खाऊंगी, पूरे दिन घर में लेटी रहती है, पूरे दिन सोएगी भाई, ये क्या अच्छी बात है, ये पूरे दिन एक ही जगह पे पड़े रहना, हाँ तो बताइए क्या क्या किया पूरे दिन में, गई, फिर आया तेरे को मैक्रोनी बनाई, फिर मैक्रोनी बनाई, तुझे खिलाई, खुद खाई, फिर डेली थोड़ी बनाती है कुछ भी, डेली ऐसी पड़ी रहती है एक ही जगह पे और देखती रहती है कुछ ना कुछ, ये अच्छी आदत नहीं है, आप जब बोलती है रात में 10 बजे उठने का वीडियो, तो बहन ये वाली बात नहीं होती, बट एटलीस्ट अपना काम तो अपना काम होता है ना कोई, तो मैं करता हूं, हाँ क्या करती है पूरे दिन मूवी देखती है, मूवी कहां भी देख, देख लो गाइस ये इसीलिए मोटी हो रही है, तो गाइस अभी के लिए ना हम लोगों की घर में आजकल खाना बनना बंद हो गया है, और खाना बनना बंद इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है ना सिर्फ बाहर से खाना खाती है, इसकी वजह से मम्मी ने खाना बनाना बंद कर दिया हमारे घर में, लोगों को आज ना रात में मेरे रिएक्शन से पता चलता होगा एकदम से इस पे बात कैसे डल गई, मेरे रिएक्शन उनको दिखता होगा, गाइस मैं बताती हूँ, अरे रहने दो मैं इस पे बताती हूँ, ये क्या करती है दोपहर में शाम को उठती है 3-4 बजे के आसपास, उसके बाद उठ के नाश्ता कर लेगी एक ही बारी, नाश्ता होता है 4 बजे शाम को, नाश्ते में मेरे ठीक है, उसके अलावा बनवाती हूँ एक मिनट, उसके बाद क्या करती है कुछ खाती है नहीं, क्योंकि कुछ बाहर से खाने चले, आज भी देखो घर में आलू नान थाली मंगवा लो मम्मी, तो ये ऐसे करते हैं, इसकी वजह से मम्मी ने खाना बनाना बंद कर दिया, मैं भूखी रह जाती हूँ, और मैंने इसको खिलाया, हाँ, और तू इसने भी वही खिलाया आलू नान थाली मुझे गंदी सी, और मम्मी का मन पास्ता खाने का था, चल ना तू, और गाइस अभी ना आ रहा है बर्थडे, सो ऑफ कोर्स बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, और वेन्यू बुक हो गया, तुझे पता वेन्यू बुक कर दिया, तुझे कैसे पता, सब पता रहता है, अच्छा मैंने ही तो बताया, इन्फॉर्मेशन, और गाइस वेन्यू बुक हो गया, लेकिन ना यार मैं को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई वियर ऑन माय बर्थडे, आई वांट समथिंग डिफरेंट, सो प्लीज अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सजेशन है ना कि स्नेहा जैसे आपने मुझे साड़ी का सजेशन दिया था वो बहुत बढ़िया सजेशन था, तो आई रियली वांट कि कुछ बढ़िया सा सजेशन दो मुझे यार, बढ़िया सा एकदम सजेशन चाहिए मुझे कि मजा आ जाए वो ड्रेस देख के, तो अगर आपके पास कोई आइडियाज हो ना मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम करके दिखाना, सो देट क्या पता कुछ इनोवेटिव निकल आए, या मैं कुछ उसको एक दो दिन में अगर बनवा पाई तो ऑफकोर्स बनवाऊंगी, क्योंकि बर्थडे बहुत पास है, कितने दिन रह गए, कितने दिन, 4 दिन, अब से 4 दिन रह गए, जब आप व्लॉग देख रहे हो ना 4 दिन रह चुके होंगे, तो और आज पहला सावन है यार, मेरे को ना बर्थडे बनाना बड़ा वो लगता है, ओखा ओखा है ना, को ना दूसरों को पार्टी देना नहीं पसंद, सच बात तो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, जैसे जब पैसा लाते हैं ना तब ये देखो अच्छा गाइस, अच्छा एक बात बता, अगर ये बात होती तो मैं तो वैसे भी पार्टीज करने जाती हूँ, मैं हर दिन मतलब वैसे पार्टीज नहीं करती, लेकिन मैं तुझे हर दिन घुमाती हूँ, मैं बोल रही हूँ
ये बहुत मेरा भी हर चीज का खर्चा उठाती है, मूवी जो मैं इसको बोलती हूँ उस टाइम पे करते भी है और दिलाती भी है। तो गाइस ये कैसी बात हुई पार्टी देना, मुझे ना पार्टी पसंद नहीं है, आई पर्सनली डोंट लाइक पार्टीज टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैं किसी की पार्टीज में ज्यादा जाती भी नहीं हूँ। मुझे इनवाइट हर दिन इनवाइट आता है, लेकिन मुझे पर्सनली ना वो धूम 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 वाली चीजें सब मन नहीं आती। इतनी रीमा को फिर भी पसंद है बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो चीजें। अब तेरा बनता है पार्टी देना। हाँ पार्टी देना बनता तो दूंगी, क्योंकि तूने अपने फ्रेंड्स या किसी को भी पार्टी नहीं दी है। हाँ गाइस मैंने बोल दिया है व्लॉग में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तू क्या बोलेगी मुझे, मुझे सिखा रही है गाइस। मैंने व्लॉग की शुरुआत में ये बात बोल दी थी कि ऑफ कोर्स मैंने पार्टीज बहुत सारी मेरी पार्टीज पेंडिंग चल रही थी, सबने बोला पार्टी कन्विंस किया इसको इस बारी, इसने नहीं किया मुझे कन्विंस गाइस, इसने मुझे कोई कन्विंस नहीं किया। मेरा प्लान पहले से ही पार्टी का था, पहले नहीं बन रहा था, फिर अचानक से मुझे सब फ्रेंड्स ने बोला नहीं तू करेगी पार्टी, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन ना अब मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना खुद पे लेकर छोड़ दी कि अब मैंने नहीं करनी। मैंने कहा प्रियंका दीदी आप संभालो पूरी पार्टी, क्योंकि यार मेरे को ना सिरदर्दी लगती है ऐसा कि कोई बोल रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज, फिर मैं ऐसा फील करती हूँ कि बर्थडे मेरा ही है ना, तो इसीलिए फिर मैं चाहती हूँ कि पीछे वाले सारे बैक एंड पे संभाल ले, दीदी मुझे पता है वो अच्छे से मैनेज कर लेंगी, तो इसीलिए सब कुछ मैंने प्रियंका दीदी और जीजू पे छोड़ दिया, बढ़िया कर देंगे वो मेरे को पता है। और हम अंधेरे में इसलिए बैठे क्योंकि हम देख रहे थे स्पिट्सविला और उसके बाद हमने देखा बिग बॉस, क्योंकि आज बिग बॉस में एंट्री हुई थी फेजू और एलविश की ना, फेजू भैया और एलविश भैया की एंट्री हुई थी बिग बॉस के अंदर, तो मैंने वो वाला एपिसोड देखा क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा रील्स में वायरल चल रहा था, तो मैंने कहा चलो देखे तो सही है क्या, तो वो देखा थोड़ा सा एपिसोड और उसके बाद हम लोगों ने बंद कर दिया। बट मैं बिग बॉस पूरे तरीके से नहीं देख रही हूँ पीछे से अभी तक, तो पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम डीएम्स पे प्लीज ड्रेसेस के ऑप्शन भेज दो सो देट मैं जल्दी सिलेक्ट कर पाऊँ उसको। और यस अभी बर्थडे पार्टी होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक प्री बर्थडे शूट सोच रही हूँ करवाने का, ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकूँ प्यारे से इंस्टाग्राम पे, क्योंकि पार्टीज की वो वीडियोस फोटोज नहीं आ पाती जो मैं चाहती हूँ, सो आई वांट कि मैं पहले ही कुछ अच्छा सा पोस्ट कर दूँ। लेट्स सी जैसे भी होगा। तेरा क्या कहना है? मेरा कहना है कि कराना चाहिए शूट। हाँ तो कराऊंगी, वाले दिन ही वो चीज डल जाए ना। ओके और बाकी पार्टीज वाली चीज थोड़ी बाद में अगले दिन डलेगी। अगले दिन डलेगी।